हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमने एडिशन कवर कर लिया था, अब आज हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन के भी प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन 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 जीरो इज सब्ट्रैक्टेड, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड टू द नंबर इट गिव्स द सेम डिफरेंस एज द नंबर। मतलब हम किसी भी नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर हमारा वही नंबर हो जाता है। एग्जाम्पल, 531 माइनस 0, जीरो से अगर होगा तो यही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, 531। ओके, अनदर एग्जांपल लेते हैं। जीरो से माइनस किए, आंसर मेरा यही हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट फर्स्ट रूल हमारा है कि व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड टू अ नंबर इट गिव्स द सेम डिफरेंस एज द नंबर। कोई भी नंबर अगर हम जीरो से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर इसका आंसर हो जाता है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड, व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड टू द नंबर टू द नंबर इट गिव्स प्रिसीड प्रिसीडर ऑफ द नंबर प्रिसीडर। मतलब पता है हमारा नंबर का एक कम लिखा जाता है द नंबर जस्ट बिफोर, तो उसी तरह एग्जाम्पल ले लेते हैं। 218 माइनस 1 एक घट जाएगा, 217। 407 मतलब एक घट जाता है, जब भी वन से सब्ट्रैक्ट होता है वन माइनस हो जाता है। 218 है, वन प्लेस का एक डिजिट घटा देंगे और इसमें भी वन प्लेस का एक डिजिट घटा के लिख देंगे, बाकी सब वो ये सेम रहेगा। हम लोग वन प्लेस से ही सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, इसीलिए। चलिए, ये रहा हमारे दो प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं कुछ। सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को किया जाता है, जैसे 28 माइनस 12। 28 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं और 12 छोटा नंबर नीचे। ऊपर वाले को क्या करते हैं, मिनुइन, सेकंड वाले सब्ट्रहेंड एंड द जो रिजल्ट आता है हमारा, इट मीन्स इट टू गेट 6 1 एंड द रिजल्ट आता है उसको डिफरेंस। ओके, सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर और वंस प्लेस से किया जाता है। वंस टेंस वंस प्लेस से करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों वंस प्लेस से, तो पीछे से करेंगे। और बड़े वाले नंबर को मिनुएंट कहते हैं, सेकंड वाले नंबर को सब्ट्रहेंड कहते हैं, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है उसे डिफरेंस कहते हैं। ठीक, ठीक
कैरी वाले सब्ट्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे, बट बहुत बच्चों को कैरी वाले में दिक्कत होती है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस उस पर कर लेते हैं ताकि वो जो दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, क्लियर हो जाए। कैरी वाले सब्ट्रैक्शन है तो 1 में से 6 कभी सब्ट्रैक्ट होगा, छोटे नंबर से बड़े नंबर में कभी नहीं होता है। तो 1 क्या करेगा, कैरी मांगेगा। किससे मांगेगा, अपने बगल वाले से कैरी मांगेगा। इससे मांगा, इसके पास तो 0 है, यानी कुछ भी नहीं है, एक भी नंबर नहीं है, तो इसको ज़रूरत है, तो ये इससे मांगा, इसके पास एक भी कुछ नहीं है, तो फिर ये अपने बगल वाले से मांगेगा। तो ये 4 है, इसके पास 4 है, तो ये देगा इसको। तो 4 है, 4 इसको देगा, 4 है ये, इसके पास है, तो ये इसको एक दे दिया, तो ये एक दे दिया, तो ये 0 है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक, ये एक दिया तो 0 + 1 नहीं होगा। ठीक, जो नंबर रहता है उसके आगे 1 ऐड हो जाता है। ठीक, तो 10 हो गया, इसके पास 10 हो गया। अब इसके पास 10 हो गया, तो 10 हो गया तो ये इसको दे सकता है, तो ये इसको एक दे दिया, तो ये भी 11 हो गया, एक के आगे एक जुट गया, और ये एक दे दिया तो ये 9 हो गया। जो देता है उसमें एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो लेता है उसमें उसके आगे एक नंबर ऐड कर देते हैं। जैसे 1 है, 1 में आगे एक नंबर ऐड कर देंगे, मतलब इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अब 11 में से 6 जाएगा मेरा, 11 में से तो 6 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 11 में से 6 5, अब यहाँ 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1। ठीक, समझ गए आप लोग। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। वन में से 0 गया 1, 0 तो छोटा नंबर है, 1 बड़ा, 0 से तो बड़ा है 1, तो बड़ा में से छोटा जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब 0 में से 8, 0 है ये 8 है, तो 0 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये इससे कैरी लेगा, कैरी मांगा इससे, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये अपने बगल वाले से कैरी मांगेगा। तो ये दिया इसको, तो ये दिया, तो ये 0 और आगे लग जाएगा, और ये 0 बच जाएगा, क्योंकि एक है, एक ये दे दिया, तो ये तो 0 हो गया। ठीक, और ये 10 हुआ, इसके पास तो अब 10 आ गया, 10 आ गया तो ये इसको दे सकता है, तो ये इसको दे दिया, तो ये 10 हो गया, और ये एक कम हो गया। ठीक, तो अब जो बाकी सब जो कटे नंबर है उसको नहीं ध्यान देंगे, जो जो मेरे नंबर बचे हैं उसको देखेंगे। अब 10 में से 8 जा सकता है हमारा 2, 9 में से 1, 8 गया 1, और इसके पास 0 है तो 0। ठीक, एक और ले लेते हैं। 9 में से 1 गया 8, 4 में से 9 नहीं जाएगा, 4 इससे बगल वाले से कैरी मांगेगा, तो 4 इससे कैरी मांगेगा, तो ये 1 दे दिया, इसके पास 1 बचा, और ये 14। ठीक, जो लेता है उसकी उस नंबर के आगे 1 चला जाता है, और जो देता है 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 4 1 5, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 3। ठीक, एक और क्वेश्चंस करते हैं। 5 में से 0 गया 5, 9 में से 0 गया 9, बड़े में से 0 जा रहा है, तो जो है नंबर वही लिख देंगे। 8 में से 1 गया 7, 9 में से 5 गया 4, ये तो विदाउट कैरी वाला था, ये हो गया इजली, हम लोग कैरी नहीं लेना पड़ा।
ठीक, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो ये इससे कैरी लेगा, इसके पास भी नहीं है तो ये अपने बगल वाले से मांगेगा। ये एक ये दे दिया एक, तो 1 माइनस कर देंगे 2 हो गया। ये लिया तो ये 10 हो गया। अब ये इसके पास 10 हो गया तो ये एक दे दिया तो ये 10 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा जो लेता है उसके नंबर के आगे जुड़ता है और जो देता है वो 1 माइनस हो जाता है। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 5। अब इसके पास तो 2 बचा, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो ये अपने बगल वाले से मांगेगा। तो इसके पास 8 है तो ये दे देगा तो ये 7 हो जाएगा और ये 12 होगा। देने वाला एक घटेगा, जो लेता है वो उसके आगे 1 लगेगा। 12 में से 5 गया 7 एंड 7 में से 6 गया 1। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा वही है, 0 में से 1 नहीं जाएगा, ये इसे कैरी लेगा 10, ये 2 हो जाएगा। जो लेता है उसके आगे जुड़ता है, जो देता है 1 माइनस होता है। ठीक, 10 में से 1 गया 9, 2 में से 3 नहीं जाएगा और फिर ये बगल वाले से मांगेगा तो जो देता है 1 माइनस, जो लेता है आगे लग जाता है। ठीक, 12 में से 3 गया 9 एंड 4 हो गया, 4 है 7 है घटेगा नहीं, तो फिर जो देता है 1 माइनस, जो लेता है वो आगे जुट जाता है। ठीक, 14 में से 7 गया 7, अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है 1 1। समझे बच्चों? ये रहा हमारा कैरी वाला कुछ सब्ट्रैक्शन। चलिए अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं सब्ट्रैक्शन पे, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन मिक्स्ड बनाएंगे। सबसे पहले तो इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। What must be added to get 783? ठीक, तो हम इस नंबर में कितना और ऐड करेंगे तो हमारा 783, यानी हम 243 में कितना ऐड करेंगे तो 783 मेरा होगा। एग्जांपल ले लो छोटा सा, मान लो 8 है, 8 में हम कितना ऐड करेंगे तो मेरा 10 आएगा। ठीक, 8 में कितना ऐड करेंगे तो ये छोटा क्वेश्चन है, 8 में हम 2 ऐड कर दिए तो 10 आ गया। ठीक, एक तरह से इसे ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों को माइनस कर दो, 10 में से हम 8 माइनस कर दिए तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा। तो इसी तरह माइनस करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। छोटे नंबर को तो डायरेक्ट हो गया, बड़े नंबर को हम लोग माइनस करके निकालेंगे। ठीक, तो यही कह रहा है कि हम 243 में कितना और ऐड करेंगे, 243 में कितना हम और ऐड करेंगे तो मेरा रिजल्ट 783 आएगा। ठीक, तो इसी तरह क्या दोनों को माइनस करके निकालेंगे, 783 243 माइनस करेंगे, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 4 गया 4 एंड 7 में से 2 गया 5, यानी 540, यहाँ पे 540 लिख सकते हैं। 243 में हम 540 ऐड करेंगे तो हमारा 783 आंसर आ जाएगा। समझे? इस तरीके से बनते हैं। एक और इस टाइप के ले लेते हैं एग्जांपल हम लोग। एक और तरीके के आते हैं, जैसे हाउ मच मोर इज 1650 देन 1475। तो मतलब कि 1475
में कितना प्लस करेंगे तो मेरा 1650 आएगा। यानी ये दोनों में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस निकालना है हम लोग को, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसी तरह जो ग्रेटर नंबर है उसको ऊपर लिख देते हैं मिनिमम में, स्मॉलर नंबर नीचे, एंड देन सब्ट्रैक्ट। 10 में से 5 गया, ये इससे कैरी लेगा, ये 10 हो गया और ये 4 हो गया। लेने वाले में आगे जुट जाता है, देने वाले में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 4 में से 7 नहीं जाएगा, तो ये इससे कैरी लेगा। देने वाला 1 माइनस, लेने वाला आगे जुट जाता है 4। 14 में से 7 गया 7, 5 में से 4 गया 1, एंड 1 1 1 0। तो मेरा आंसर हो गया 175। हम 1475 में 175 और ज़्यादा करेंगे, मोर करेंगे, तो हमारा आंसर 1650 आएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बाई हाउ मच इज 7321 ग्रेटर देन 7321 ग्रेटर देन 3637। 7321 3637 से कितना बड़ा है, मतलब ये दोनों में डिफरेंस कितना है। तो कितना डिफरेंस है ये निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े में से छोटे को। 7000 ये आगे ही दिख रहा है कि ये 7 है और ये 3 है, तो ये वाला नंबर मेरा बड़ा है। ठीक, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में आप लोग देखे हैं कि हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, पहले डिजिट मिलाते हैं, फिर डिजिट तो 1 2 3 4 दोनों में 1 2 3 4 है। तो फर्स्ट नंबर देखेंगे, ये 7 है, ये 3 है, 7 वाला बड़ा है तो इसको ऊपर लिखेंगे, 3 वाला छोटा है इसको नीचे लिखेंगे। ठीक, तो 1 में से 7 नहीं जाएगा, तो ये देने वाला में एक माइनस होगा, लेने वाला में ऐड हो जाएगा, मतलब आगे लग जाएगा। 11 में से 7 जाएगा, 4 होगा, तो 1 में से 3 नहीं जाएगा, तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट होगा और ये 1 ऐड हो जाएगा। ठीक, 11 में से फिर 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 होगा, फिर 2 है, ये भी ये है तो ये देगा, 6 होगा, ये आगे लग जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, एंड 6 में से 3 गया 3। ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट 4 डिजिट नंबर एंड 3 ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट 1000 एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 999। ठीक, तो यहाँ क्लियर लिख लेते हैं साफ साफ, ताकि हमको सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत ना हो। 999
9। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 9 नहीं जाएगा, ये अपने बगल वाले से कैरी मांगेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये अपने बगल वाले से कैरी मांगेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये इससे कैरी मांगेगा। तो ये 1 है, ये दे दिया तो 1 माइनस हो गया, तो इसके पास 0 बचा, ये 10 हो गया, 10 ये फिर इससे मांगा, तो ये मांगा तो ये 1 दे दिया, तो ये 9 हो गया, फिर ये 10 हो गया, अब ये फिर इससे मांगा तो ये 1 दे दिया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 एंड 0, यानी 1 मेरा आंसर हुआ। ठीक, एक और टाइप का ले लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर द सम ऑफ टू नंबर्स इज 838। इफ द greater of the two number, greater of the two number, मतलब बताते हैं, is 528, find the smaller number, find the smaller नंबर। ठीक, देखो सम, सम मतलब ऐड, दो नंबर का, कोई दो नंबर है मेरा, उसका ऐड मेरा दिया हुआ है, यानी सम दिया हुआ है, और जो फर्स्ट नंबर है, मतलब जो बड़ा वाला नंबर है, मिनुएंड है, वो मेरा ये है, तो हम लोग को स्मॉलर नंबर निकालना है। एक छोटे नंबर से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8 है और मेरा इसका सम आया है 10। ठीक, तो 8 है और 10 है, तो हमको ये सेकेंड वाला नंबर निकालना है, स्मॉलर नंबर निकालना है, तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे, ये तो स्मॉलर नंबर है, आप सोच लोगे कि हाँ 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, बट यही बड़े नंबर में दिक्कत होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इजिली, तो वही अगर हम लोग माइनस कर लेंगे तो सेकेंड नंबर आ जाएगा, उसी तरह बड़े नंबर से भी करते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को भी उसी तरह करते हैं, तो हमारा जो सम है वो कितना दिया हुआ है, सम है हमारा 838 एंड द ग्रेटर नंबर क्या है हमारा, ग्रेटर नंबर है हमारा 528 एंड हम लोग को स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 5 गया 3, ये हो गया। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 4850 एंड ग्रेटर नंबर इज 1009, फाइंड द स्मॉलर नंबर। इसमें हमारा दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है, ग्रेटर नंबर दिया हुआ है, हम लोग को स्मॉलर नंबर निकालना है। ठीक, ग्रेटर नंबर ये है 1009 एंड मेरा डिफरेंस है 4850।
तो इसके लिए जैसे एग्जांपल में ले लो, ये 10 हमारा ये हो गया ग्रेटर नंबर, तो हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 850 एंड द ग्रेटर नंबर इज 1009, तो हम लोग को स्मॉलर नंबर निकालना है। तो एग्जांपल पे ले लो, एग्जांपल के तौर पे ले लो, जैसे मान लो 10 है, डिफरेंस है मेरा 2 एंड द ग्रेटर नंबर है मेरा 10, ठीक। डिफरेंस है मेरा 2 और जो ग्रेटर नंबर है वो मेरा 10 है, तो हम लोग को स्मॉलर नंबर यानी यहाँ वाला नंबर निकालना है। और ये डिफरेंस का दिया हुआ है, पिछले वाले हम लोग किए थे वो सम का था, ये डिफरेंस का है। तो ये दोनों हमको यहाँ का पार्ट का निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, 10 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 भर देंगे, यहाँ पे 8 कर देंगे तो हमारा सही है। उसी तरीके से ये बड़े नंबर को भी करेंगे, डिफरेंस कितना है मेरा 850 और ग्रेटर नंबर है 1009, तो हमको निकालना है स्मॉलर नंबर, इसको करेंगे 1009 में से 850 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 10 5 5 एंड 9 हुआ। और ये इसके पास 0 है तो ये इससे कैरी लेगा, इसके पास भी नहीं है तो ये इससे कैरी मांगेगा, तो ये इससे 10 हुआ, ये 0 हो गया, फिर ये इससे मांगेगा तो ये एक घट जाएगा 9 एंड ये 10, 10 में से 5 गया 5, अब 9 में से 8 गया 1, यानी 159 हमारा स्मॉलर नंबर होगा। ओके एक और क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के भी आते हैं, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 4480, मतलब ये हमारा नंबर है और इसमें जो 4 है उसके प्लेस वैल्यू को हमको डिफरेंस करना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं 4480 का, हमारे ये 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई किस प्लेस पे, 1 10 100, 100 प्लेस पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 400 हो गया। एंड ये 4 का हमारा प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई किस प्लेस पे, 1 10 100 एंड 1000, 1000 प्लेस पे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4000 हो गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, डिफरेंस करना है, डिफरेंस हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर करते हैं, ये ग्रेटर है स्मॉलर, सब्ट्रैक्ट 0 0, 0 में से 4 नहीं जाएगा, ये इससे कैरी मांगेगा, ये मांगा तो ये 3, ये दिया तो 3 और ये लिया तो 10, 10 में से 4 गया 6 एंड 3, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल सब्ट्रैक्शन और एडिशन सब्ट्रैक्शन मिक्स पे कल और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।